चैंपियंस को मिलेंगे 10 करोड़। 8 देशों की टीम खेलेगी 31 मैच। 6 मार्च को भारत पाकिस्तान का मुकाबला। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 6 मार्च को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। न्यूजीलैंड महिला वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। टूर्नामेंट 3 अप्रैल तक चलेगा। इनमें 8 देशों की टीम भाग ले रही है। ये टीम है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका हैं। फाइनल सहित 31 मैच आयोजित किए जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेलने हैं। भारत के सारे मैच डे नाइट होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में मैच होने के कारण आप मुकाबला भारत में सुबह 6:30 बजे देख पाएंगे। भारतीय टीम महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 बार पहुंची है, लेकिन वह खिताब नहीं जीत सकी है। भारत को 2005 में ऑस्ट्रेलिया और 2017 में इंग्लैंड ने फाइनल में हराया। अब तक 3 टीमें महिला वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 6 बार यह टूर्नामेंट जीता है। इंग्लैंड 4 बार चैंपियन बन चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड ने 1 बार विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। महिला वर्ल्ड कप मैच का लाइव आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। वहीं मैच का लाइव स्ट्रीम हॉटस्टार पर होगा। आईसीसी महिला वनडे कप जीतने वाली टीम को इस बार पिछले बार की तुलना में करीब डबल प्राइज मनी मिलेगी। इस बार वर्ल्ड कप जीती टीम को 1.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोरोना महामारी के कारण आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी टीम में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आते हैं और 11 खिलाड़ी पूरे नहीं हो पाते हैं तो वह टीम 9 खिलाड़ियों के साथ भी मैदान पर उतर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।